लाख समझाने के बाद भी जनता नहीं समझा और हमको नजरबंद इस लोगों को छोटे से नजरबंद चारों तरफ लोग जो है 20 साल में मेरे साथ ये पहली घटना है जब आम जनता जो यहाँ के लोग पीड़ित हैं उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया। ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ का कार्य शुरू कर दें ताकि हमें यहाँ से मुक्ति मिल सके। आज 2 महीना से लगातार मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम कल्याण योजना के तहत जनसभा जो होना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 8 साल में किया हुआ कार्य है उस कार्य को बताने के लिए हम नुक्कड़ सभा हर गांव में करते रहे थे और लगातार अपने पूरे विधानसभा में लगभग 30 से 35 नुक्कड़ सभा हम कर भी चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले हम गए थे लोकमानपुर, वहाँ भी किए थे। उसी का ये गांव है पंचायत लोकमानपुर का, ही सिंहकुंड है और सिंहकुंड में आज हम अचानक आए थे, सब कार्यक्रम किए भी, सरकार के उपलब्धि को बताए भी, सबों ने सुना भी, लेकिन अचानक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीण जो है हमको घेर लिए और कटाव विरोधी कार्य जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जाने नहीं देंगे। 20 साल में मेरे साथ ये पहली घटना है जब आम जनता जो यहाँ के लोग पीड़ित हैं उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया। ये लोकमानपुर के आज़ाद नगर के एक मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है आज़ाद नगर, और हमको तब तक इन्होंने कहा है कि आपको नहीं जाना, जनविरोधी कार्य नहीं शुरू हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं पूरा कोशिश किया, यहाँ जो विधानसभा के अंदर में मैंने हाउस में सरकार को बताया है, अपने संबंधित विभाग के जो मंत्री है उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहा, लेकिन इसी कारणवश सिंहकुंड, लोकमानपुर, मैरचा, अवनपुरा, गोविंदपुर, मुसहरी और कहारपुर, घोड़ियादारपुर का काम शुरू नहीं हो सका। लोग काफ़ी उत्तेजित थे और पुलिस बल मेरे साथ थी, लेकिन मैं सोचा कि जनता हमको विधायक बनाया है, आज मैं बहुत दुखित भी हूँ। लाख समझाने के बाद भी जनता नहीं समझा और हमको नज़रबंद इस लोगों को छोटे से नज़रबंद कर चारों तरफ लोग जो है यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ का कार्य शुरू कर दें ताकि हमें यहाँ से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।